मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, और ये मेकअप लुक है इंस्पायर्ड तारा सुतारिया का, जो कि उनकी मूवी है मर जावा, उनसे इंस्पायर्ड किया मैंने ये मेकअप लुक, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये मैं आप लोगों के साथ एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक शेयर करना चाहती थी, मैट सा हाइलाइटर से भरा हुआ ब्लशी पीची लुक। तो मैं जैसे ही ऐसा कुछ सोच रही थी, दिमाग में था जस्ट फॉर द रेफरेंस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मेरे टीवी में एक गाना बज रहा था मर जावा का, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में वो मेकअप लुक था, और जस्ट मैंने जब वो फेस देखा, तारा सुतारिया का मेकअप लुक देखा, तो मैंने सोचा यार ये तो वही मेकअप लुक है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा एक तीर से दो निशाने मारते हैं, और वेडिंग गेस्ट के साथ तारा सुतारिया का इंस्पायर्ड मेकअप लुक भी आप लोग के साथ शेयर करते हैं, जो कि ये वेडिंग गेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और जैसे कि आपको मेरा मेकअप लुक दिख रहा है, बिल्कुल मैट परफेक्ट, और ब्लश तो एकदम लाइक अमेजिंग इस लुक के साथ जा रहा है। पीच लिप्स और आईज़ में भी ग्लिटर गोल्डन है, पीची टाइप ऑफ है, ब्राउन है, तो काफ़ी अच्छा सा सटल सा बहुत ही परफेक्ट सा वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है। सबसे अच्छी बात, ये मेकअप लुक जो है बहुत ही इजीली अचीव होता है, बहुत ही सिंपल है, लास्ट मिनट भी आप इसे अचीव कर सकते हैं। और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं ये तो मैं सब आपको दिखाऊंगी। इस मेकअप लुक को आप एज अ डे मेकअप लुक भी अचीव कर सकते हैं, इस मेकअप लुक को आप नाइट मेकअप लुक भी अचीव कर सकते हैं, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। आप इसमें चाहे कितना भी डांस करिए, कितनी भी मस्ती करिए, ये आपके फेस पे लॉन्ग टाइम तक टिकेगा। ये एकदम बहुत ही ज़्यादा हाइलाइटेड मेकअप है। इस मेकअप लुक का हाइलाइटर जो है वो है जान। तो कैसे मैंने अचीव किया इस मेकअप लुक को, आप भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल लग रहा है ना तारा सुतारिया के मरजावा मेकअप लुक के जैसा। तो चलिए वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि मैंने इस मेकअप लुक को कैसे अचीव किया है। तो सबसे पहले हम अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेंगे। मेरा जो फेस है वो मैंने क्लीन कर लिया है, फेस वॉश कर लिया है। अभी मैं अप्लाई करूँगी ये एलिजा वेका का गोल्ड सेरम फेशियल ऑयल। ये फेशियल ऑयल है बट इट फील्स लाइक अ सेरम ऑन योर फेस, तो आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि अभी विंटर सीजन है, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन चाहिए, तो मैं अभी गार्नियर का जो ये लाइट कंप्लीट है इसे अप्लाई करूँगी फुल फेस पे अपने। हम प्राइमर लगाएंगे, और मैं थोड़ा सिलिकॉनी बेस वाला प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। स्टेक वर्की का ये प्राइमर है, 500 रुपीस का मिलता है। इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी सिमिलर है कलर बार के प्राइमर से। इट्स अ सिलिकन प्राइमर, तो पोर्स वगैरह को फिलिंग करने में अच्छा हेल्प करेगा, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो टेक्सचर्ड है। नेक्स्ट हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन के लिए आपको मैट फिनिश का फाउंडेशन यूज़ करना है। अगर आप डूई फिनिश चाहते हैं तो आप अपना फेवरेट फाउंडेशन लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे वेट एन वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन यूज़ करूँगी इन द शेड गोल्डन बेज। ओके, तो अच्छे से ब्लेंड भी हो गया और केकी भी नहीं लग रहा, लेयरिंग किया है मैंने, ऐसा फील भी नहीं हो रहा। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द कंसीलर, आई एम यूजिंग द एलेगर मेकअप प्रो कंसील HD कंसीलर एक्चुअली इन द शेड प्योर बेज, और ये अभी काफ़ी न्यू है, मैंने बहुत ही कम इसे यूज़ किया है। पहले आपको ऐसे स्क्वीज़ करना होता है, फर्स्ट कुछ प्रोडक्ट आ जाएंगे यहाँ पे, देन आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम अपने फेस को सेट करेंगे, और पहले मैं अपने अंडर आइज़ को सेट करूँगी यूजिंग दिस ब्लू हेवन सफायर लूज पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर इन द शेड नेचुरल, और ये 125 रुपीस का है। इसमें 20 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। बाकी मैं एक बिग ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, और जो भी यहाँ पर है प्रोडक्ट थोड़ा सा इससे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी।
अभी तक मैंने जितने भी ब्राउ प्रोडक्ट्स यूज़ किए, मैंने लैक्मे का पेंसिल यूज़ किया है, मैंने मेबलिन का ट्विस्टर वाला जो है आईब्रो पेंसिल यूज़ किया है, मैंने हैक भी किया था, ब्राउन आई शेडो ब्लैक आई शेडो को मिक्स करके मैं आईब्रोज़ को फिल इन करती थी, बट सो फार जब तक जो अभी तक मैंने प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, मार्केट की बात नहीं करी, दिस वन इज़ माई फेवरेट और ये बहुत अफोर्डेबल है और ये आपको नायका पे आराम से मिल जाएगा और आप लोकल स्टोर से भी इसे ले सकते हैं। अब हम अपने आई मेकअप पे मूव ऑन करेंगे और पाउडर जो है इसे हटा दीजिए। ये जो पैलेट है ये है रोज इन दी एयर पैलेट, इसमें आपको दो तीन वैरायटी या वेरिएंट्स मिल जाते हैं। ये वाला शेड पिक कर रही हूँ, पेन की तरह पकड़ रही हूँ और एकदम स्ट्रेटली अपने क्रीज पे ही अप्लाई कर रही हूँ। फर्स्ट मैंने कुछ स्ट्रोक्स ऐसे हाफ मारे हैं, देन मैंने अंदर लिया इसे। अब हम अप्लाई करेंगे एक गोल्डन शेड हमारे लिप्स पर। मैं यूज़ करूँगी ये वाला शिमरी शेड्स। अपने लिप्स पर आपको अप्लाई करना है ओनली, थोड़ा कम लगता है। ओके या अब इसमें और शेड्स का ज़रूरत नहीं है हमें, अब हम मूव ऑन करेंगे। मैं ये क्यूमिडी का आई शेडो पैलेट लूँगी जिसका शेड है कुछ, इसमें से मैं ये थर्ड नंबर वाला जो पीच शिमरी शेड है वो अप्लाई करूँगी अपने सेंटर ऑफ द लिप्स पर। अगेन ले रही हूँ एंड बिकॉज मुझे तारा सुतारिया का जो आई मेकअप था उसमें मुझे थोड़ा सा ग्लिटर मेकअप भी दिख रहा था, ग्लिटर कलर भी दिख रहा था और मतलब गोल्डन कलर भी दिख रहा था एंड पीच भी, तो इसलिए मैंने दोनों को मिक्स किया है। मैं सेंटर मतलब इनर तक ज़्यादा नहीं गई हूँ, मैंने सेंटर से उसे सेंटर पे पैट करने के बाद मैंने आउटर वे में इसे ब्लेंड किया है। सेम कलर हमने पिक किया था ये वाला, ये वापस से मैं पिक करूँगी और अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी बिकॉज वो कहीं गुम सा लग रहा था मुझे, तो जस्ट उसे रीबिल्ड कर रही हूँ, रीटच कर रही हूँ मैं। या आई एम डन। अब मैंने जो आई मेकअप देखा है तारा सुतारिया का, उसमें उन्होंने आईलाइनर नहीं लगाया है, उन्होंने ब्राउन कलर का जो है उन्होंने ब्राउन एंड ब्लैक कलर का उन्होंने एक विंग कैटाई इफेक्ट दिया है, तो मैं यहाँ पर आप चाहो तो मिस क्लेयर का जो ये आईब्रो पेंसिल है ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो जस्ट इसे मैं या फिर आप बटन वाइल्ड का भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बहुत क्रीमी है, बट मैं अभी क्या करूँगी सिंपल सा जो ये है इसे मैं अपने क्लोज टू लैश लाइन अप्लाई करूंगी। मैं अब अगेन एक ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ जो कि क्लीन है और अपने लोअर लैश लाइन पे मैं जो क्रीज पे मैंने कलर अप्लाई किया था वही मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। और जब हम ये अप्लाई करेंगे तो हम बहुत अंदर तक नहीं आएंगे, सिर्फ अपना जो आई बॉल है उसके हाफ तक ही आएंगे। नाउ फॉर द फेस पैलेट आई एम गोइंग टू यूज दिस शुगर फेस पैलेट इन द शेड 01 सटल समिट और बहुत ही प्यारे इसमें सारे के सारे शेड्स हैं।
तो इसमें से जो कॉन्टूअर शेड है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने हॉलोज ऑफ दी चीक्स पे अप्लाई करूँगी, बिकॉज तारा सुतारिया का जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉन्ज्ड एंड सिजल्ड कॉन्टूअर किया हुआ है। द सेम ब्लश फ्रॉम दिस सेम पैलेट, हाइलाइटर और सेम जो हाइलाइटर है मैं यही लूंगी। और मैं ब्राउन काजल ही अप्लाई करूंगी वेट एंड वाइल्ड का। फॉर द मस्कारा आई एम गोइंग टू यूज द वेट एंड वाइल्ड मेगा लेंथ मस्कारा। बहुत प्यार से स्लोली स्लोली कोट कर रही हूँ मैं। अगर आप कर्ल करके अपने लैशेस पे कोट करेंगे मस्कारा तो आपका जो थोड़ा सा अपलिफ्टेड आपको इफ़ेक्ट मिलेगा मस्कारा का, अदरवाइज़ आपको जस्ट स्ट्रेट लिफ्ट मिलेगा। और अभी ना मैं यहाँ पे मस्कारा नहीं अप्लाई करूँगी, जस्ट इस साइड पे, बिकॉज आई वॉन्ट दैट कैट आई इफ़ेक्ट। पसंद है अगर आप राइट वे में अप्लाई करेंगे मस्कारा, देन यू डोंट नीड टू पुट योर फॉल्सीज एंड यू आर सॉर्टेड विद दिस ओनली। सो सी द डिफरेंस, पहले कैसे लैशेस थे अभी कितना डिफरेंस आ गया है। पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि स्टोन की बिंदी जो इफेक्ट देती है ना फेस पे, वो कलर्ड बिंदीज नहीं देती। आई डोंट नो, यह मुझे लग रहा है या सच में ऐसा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ ओनली एक ही चीज़ बची हुई है, वो है लिपस्टिक। एंड फॉर द लिपस्टिक आई हैव थ्री ऑप्शन हेयर। आई हैव स्मैश बॉक्स ड्राइवर सीट जो कि थोड़ा पीची पिंक है। नेक्स्ट आई हैव शुगर प्लम यम, ये बहुत ही परफेक्ट पिंक बाबी काइंड ऑफ पिंक कलर है। नेक्स्ट आई हैव दिस मेबलिन सुपर स्टे मैट इंक इन द शेड 15 लवर, एंड आई थिंक मैं ये दोनों लगाने वाली हूँ, ये पिंक एंड ये पीच, बिकॉज मुझे उनके लिप्स पे पिंक टिंट भी दिख रहा है एंड एट द सेम टाइम आई कैन सी द पीच। एंड येस गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक और ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इट लुक्स लाइक माई गो टू मेकअप लुक, बहुत परफेक्ट, बहुत ही अच्छा। और ये मेकअप लुक ना आपके हर ड्रेस के साथ जाएगा, सूट के साथ, साड़ी के साथ, इवन योर लाइक करवा चौथ मेकअप लुक, मतलब हर कोई इवेंट के लिए अच्छा है। साथ के साथ ये ब्राइडल्स के लिए भी अच्छा है और अनमैरिड के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मज़ा आया ना ये मेकअप लुक देखकर? अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स में मेकअप लुक लाती रहती हूँ, हॉल शेयर करती हूँ और स्किन केयर ब्लॉग्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिलती हैं। और अगर ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो और आप भी इसे ट्राई करने वाले हैं तो प्लीज़ 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 कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब भी आप इस मेकअप लुक को अचीव कर लें तो इंस्टाग्राम पे, यस इंस्टाग्राम पे सुपर मेकअप स्टाइल मेरी आईडी है,
मुझे टैग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैं आपके मेकअप लुक को अपनी स्टोरी में ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।